सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास में अगर हम बात करें तो बी जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि सर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं सिलेबस क्या है क्या हमें पढ़ना है क्या हमें छोड़ देना है क्वेश्चनस कैसे लेवल के आते हैं ये सारे डाउट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के दिमाग में भरे पड़े होते हैं स्टूडेंट ने हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया है तो सबसे पहला चीज हमने टारगेट लिया कि आज हम लोग डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर इस लेक्चर के अंदर तो बिल्कुल आराम से देखिएगा लास्ट तक देखिएगा अगर आप सही में चाहते हैं कि आपको बीसीसी में एक बढ़िया सा रैंक आए एक बेहतरीन रैंक आए तो अगर हम बात करें बीसीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तो उसमें तीन सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस किया जाता है एक है फिजिक्स एक है केमिस्ट्री और एक है मैथमेटिक्स

ठीक है इसमें कोई सस्पिशन मत कोई संदेह मत रखिएगा अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की फिजिक्स की सिलेबस की जहां बात करते हैं हम तो फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है आपका फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करते हैं कि कितने फंडामेंटल्स यूनिट हैं क्या ड्राइव्ड यूनिट हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं इन सब की बातें होती हैं इस चैप्टर के अंदर ठीक है इसी में थोड़े बहुत विक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज की बात हम लोग कर लेते हैं इसके बाद जो है वो है आपका ठीक है आपको पढ़ना है जिसमें हम फ्लू के आपके के बारे में पढ़ते हैं बात करते हैं ठीक है बिल्कुल ध्यान रखिएगा लॉज ऑफ मोशन ठीक है लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं इसके बाद फिर आपका है वर्क एनर्जी एंड पावर ठीक है वर्क एनर्जी एंड पावर का डिटेल डिस्कशन आपको करना है जिसमें आपको निमेडिकल्स भी करवाए जाएंगे इसके बाद आपका मोशन ऑफ द सिस्टम ठीक है ना मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी की बात करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जब अगर आपको ग्रेविटेशन आता है तो आप समझिए कि आपको इलेक्ट्रोस्टेट भी आता है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मिलता जुलता सिर्फ और सिर्फ नोटेशन चेंज करके बाद बाकी हु बहु फॉर्मूला भी वही डाला गया है ठीक है ना इसके बाद बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इसके बाद बात करेंगे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की

तो फिर मैग्नेटिक अफेक्ट की बात करेंगे ठीक है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट क्लियर इसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स की बात करेंगे ठीक है इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ये कंप्लीट होगा तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ऑप्टिक्स ठीक है जिस ऑप्टिक्स में आपको मिरर एज वेल एज लेंस दोनों पढ़ना है रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्लैक्शन की बात करना है

इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज केमिस्ट्री केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एक्सेप्शन ज्यादा है तो ऑब्बियसली बात है फोकस थोड़ा ज्यादा मांगता है बिल्कुल ध्यान रखिएगा तो अगर जहां तक हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं स्टेचुमेट्रिक के बारे में पढ़ते हैं थोड़े बहुत बेसिक सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं बेसिक बेसिक कंसेप्ट सब कुछ लेते हैं एवगैड्रोज नंबर के बारे में जानते हैं इसके बाद आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें आप थ्योरी इसके बाद रदरफोर्ड बोर्ड मॉडल ठीक है हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये सब चीजें हम लोग देखते हैं इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ठीक है मतलब ऑलमोस्ट ऑल कहें कि ओवरऑल व्यू प्रिडिक्टेबल का हम लोग यही दे देते हैं जो आपको आगे दिखाएगा कि अलकली मेटल अलकलीन अर्थ मेटल ठीक है एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप वन एंड ग्रुप टू फिर पी ब्लॉक फिर डी ब्लॉक फिर एफ ब्लॉक तो हम बात करें कि सीधा प्रिडिक्टेबल हम लोग यही देखेंगे सब कुछ इसके बाद बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कोवॉलेंट बॉन्ड क्या होता है कॉर्डिनेट बॉन्ड क्या है वेस्पर थ्योरी क्या है एमओ टी आई ठीक है आफ्टर दैट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री क्या होता है किस एटम्स का ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इसके बाद बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर जिसमें गैसियस एंड लिक्विड की बात करेंगे गैसेस एंड लिक्विड की बात करेंगे फिर अब तक थर्मोडानेमिक्स इसके बाद इक्वेरियम्स की बात करेंगे इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ कमाइंड टुगेदर दैट इज नोन एज रिएक्शन फिर हम इसकी बात करेंगे फिर आपको हाइड्रोजन की बात करना है ठीक है इसके बाद फिर मैंने अभी आपको जस्ट बोला था प्रिडिक्टेबल में ही आपको एस ब्लॉक एलिमेंट है इसके बाद आपको पी ब्लॉक एलिमेंट है देखो ध्यान से पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप वन ग्रुप टू फिर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इसके बाद आपके सिलेबस में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जिसमें आप सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसके बाद आप क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां पे हम सेल फॉर्मेशन की बात करते हैं कि सेल कैसे बनता क्या होता है गैलवेनिक सेल क्या है डेनियल सेल इन सब की बातें करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे है आपका केमिकल केमिकल काइनेटिक्स ये भी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद अगर बात करेंगे तो सरफेस केमिस्ट्री ठीक है इसके बाद क्या जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट ठीक है पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हमने प्रियोडिक टेबल में ही कर लिया इसके बाद आपको हेलो एल्केन है अल्कोहल है फिनॉल है इथर है एल्डिहाइड्स हैं कीटोन्स हैं कार्बोजिलिक एसिड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन्स भी रखते हैं ठीक है बायोमोलिक्यूल्स हैं पॉली, पॉलीमर्स हैं ये सब आपके आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और लास्ट है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मीन डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज होता है ये सब केमिस्ट्री के सिलेबस है केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है मैं बार बार कह रहा हूं केमिस्ट्री के सिलेबस पे अपने को स्टार्टिंग से फोकस करना है क्योंकि यहां पे एक्सेप्शन थोड़े से ज्यादा हैं क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आता है बिल्कुल ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आसान सा और मार्क्स काफी देता है बिल्कुल ध्यान रखिएगा तो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स uh, की तो मैथमेटिक्स में आपका है सेट एंड फंक्शंस पहला चैप्टर अगर बात करेंगे ठीक है जिसमें आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन ट्रिग्रोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है इसके बाद यहां जब अल्जेबड़ा की बात करते हैं तो अल्जेबड़ा को दो पार्ट में तोड़ा गया है अल्जेबड़ा को बात करेंगे तो अल्जेबड़ा दो पार्ट में है ठीक है इसमें आपका क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर लीनियर इक्वेशन परमिटेशन एंड कम्बिनेशन बायोनोमियल एंड सिक्वेंस एंड सीरीज और यहीं पर अगर आप अल्जेबड़ा की बात करें तो यहां पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ये कंबाइंड होके अल्जेब्रा कंप्लीट होगा आपका ये कंबिनेशन अल्जेब्रा को कंप्लीट करेगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू थ्री डी डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है ठीक है ना थ्री डी ज्योमेट्री पढ़ना है इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो कैलकुलस कैलकुलस भी आपका दो पार्ट में अप होगा एक में आपको लिमिट एंड डेरेवेटिव पढ़ना है इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल्स

इसके बाद एल पी है लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ध्यान रखिएगा तीनों सब्जेक्ट पे आपको अच्छा सा कमांड होना चाहिए अगर आपको रैंक लाना है अगर आपको अच्छे कॉलेज का आप ड्रीम देख रहे हैं तो अब इसके लिए इजी प्राप्त ने आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच लाया है जो बीसीईसी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है फुल डेडिकेटेड अगर हम इस बैच की बात करें तो इस बैच के फीचर्स क्या क्या है तो इस बैच में अगर हम बात करें तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे जो क्लासेस होंगे उनको उनकी आपको पीडीएफ मिलेगी रनिंग पीडीएफ थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल क्लियर इसके बाद लेक्चर जो होगा वो डेडिकेटेड बीसीईसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन आने का चांसेस है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें ठीक है अगर इस कोर्स के हम प्राइस की बात करें तो इस कोर्स का प्राइस जो है बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया वैसे तो चौदह सौ निन्यानवे रुपये प्राइस है लेकिन अभी फिलहाल ट्रिपल नाइन प्राइस है नौ सौ निन्यानवे प्राइस है ठीक है इतने फीचर्स के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स डाल के एक बीसी प्लस बैच लॉन्च किया गया है उसमें प्लस में फीचर्स क्या क्या हैं तो टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज आपको डीपीपी मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है ना प्रैक्टिस सीट मिलेंगे इसके बाद सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लांट है ठीक है इसके बाद वन टू वन मेंटोरशिप मिलेगा ताकि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस कर सके सपोज मान लो फर्स्ट टेस्ट हुआ आपके रिजल्ट थोड़े से पीछे आए या आपका मार्क्स कम आया तो आपको वन टू वन मेंटो से मिलेगा आपको कहां वर्क करना है क्या करना है कैसे पढ़ना है ठीक है डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाता है टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये सब आपको दिया जाएगा इन फैसिलिटीज के साथ साथ इसमें प्लस फीचर्स के साथ इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो प्राइस है वो है उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए लेकिन अभी फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है जो कि आपको पे करना है बारह रुपए अब आपको इस कोर्स को परचेस करने के लिए करना क्या है आपको करना क्या है कि आपको इजी प्रैप का एप डाउनलोड करना है ठीक है डाउनलोड इजी प्रैप ऐप स्टोर में जाके आप कोर्स सर्च कीजिएगा बीसीईसी अगर आप प्लस बैच में इंटरेस्टेड हैं तो बीसीसी प्लस आपको मिलेगा बीसीसी बैच दोनों आपको अवेलेबल होगा वहां पे वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं ठीक है फिर भी अगर ऐसा होगी कि आप सपोज uh, कोई प्रॉब्लम है कुछ डाउट आपको पूछने हैं कुछ आपकी क्यूरीज है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं दैट इज सेवन इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कोई इश्यू वाली बात नहीं आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैं फिर से नंबर बता रहा हूं सेवन जीरो वन फोर सिक्स थ्री नाइन थ्री वन एट क्लियर तो फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ में तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट